हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों को अप्रेंटिसशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ। अप्रेंटिसशिप जो कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, पॉलिटेक्निक, आईटीआई सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोर्स आप सब लोग आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स, आफ्टर आईटीआई के बाद कर सकते हैं। इसमें आपको पर मंथ कुछ सैलरी स्टाइपेंड भी कुछ दिए जाते हैं, ओके, जो कि 5,000, 3,000, 8,000, 9,000 समथिंग रहते हैं। इसको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई NATS, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। NATS का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। वो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। NATS में हम अप्लाई कर सकते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड के, किसी भी स्पेशलाइजेशन के, बीटेक किसी भी स्पेशलाइजेशन किसी भी फील्ड के, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड के, किसी भी स्पेशलाइजेशन के। तो मैं ये तीन, जो बीटेक, बीई और पॉलिटेक्निक के जो स्टूडेंट हैं, वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अप्रेंटिसशिप में कैसे अप्लाई करें। मैंने भी अप्रेंटिसशिप में अप्लाई किया था और मैंने भी अपना अप्रेंटिसशिप कम्प्लीट कर चुका है आज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे अप्लाई करना है मैं एक एक चीज़ बताऊँगा आपको। अप्रेंटिसशिप 1 साल का होता है, 1 ईयर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे, उसमें हम लिखेंगे NATS। ये देखिए, ये हम ओपन कर लिए। इसमें हम फर्स्ट वाला क्लिक करेंगे, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ये हम क्लिक किया, ये कुछ इस टाइप का ओपन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे, और पहले से अकाउंट नहीं है तो आप इनरोल करेंगे, ओके। तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ इनरोल करने, कुछ PNC टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके। चलिए ये देखिए, ये ऐसा कुछ अप्लाई होगा। ये फर्स्ट आपका एक छोटा सा स्टेप है, स्टेप 1, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, ओके। आई एम अ स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन एंड इस्टेब्लिशमेंट, तो आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, ओके। फिर आप नीचे जाएंगे, ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। देखिए स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका परमानेंट रेसिडेंट क्या है, तो हम डालेंगे जो भी आपका रेसिडेंट है परमानेंट, आप वो डाल सकते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ है तो हम छत्तीसगढ़ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप डालेंगे आई हैव कम्प्लीटेड या आई एम डूइंग। अगर आप कंप्लीट कर चुके कोर्स तो आई हैव कम्प्लीटेड, और आप परसुइंग, मतलब आप अगर आप कोर्स कर रहे हैं अभी लास्ट सेमेस्टर पे है या फिर लास्ट ईयर पे, तो आप आई एम डूइंग क्लिक करेंगे। तो मैंने कंप्लीट कर चुका, तो आई हैव कम्प्लीटेड। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका, आपका मतलब विदाउट बैकलॉग है तो आपने क्या कोर्स किया है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन इन टेक्निकल, या ग्रेजुएशन इन फार्मा, ग्रेजुएशन इन आर्किटेक्ट, जो भी आप है। तो मैं ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पे कर चुका है अपना अप्रेंटिसशिप कम्प्लीट, ओके। ये मैंने क्लिक किया। फिर ये लिखा है आपने कब पास आउट किया है, 2020, 2019, 2018, 2017। तो मैंने कम्प्लीट किया 2019 में, ओके। यह क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रो आपने रेगुलर किया है या पार्ट टाइम किया है, डिस्टेंस में किया है, तो मैंने किया है रेगुलर, तो मैं रेगुलर पे क्लिक करूँगा, ओके। फिर यहाँ पे एक छोटा सा आएगा, इसको आप नो करिएगा या यस भी कर सकते हैं। अंडरटेकन का है ये, सैंडविच कोर्स आपने किया कि नहीं, आप सैंडविच स्टूडेंट है कि नहीं, दो कोर्स एक साथ वाले। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर, तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया, कॉन्ग्रेट्स यू आर एलिजिबल टू इनरोल, आप एलिजिबल है इनरोल करने के लिए, ओके। इसमें आपको लिखा है डियर स्टूडेंट, इसको इसमें आपको कुछ कुछ मैंडेटरी है, मीन्स आपको कुछ कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो आपकी खुद की होनी चाहिए। आधार कार्ड आपका खुद का होना चाहिए, पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए जिसमें आपको मेल आया जो भी आए, मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए, उसमें मैसेजेस OTP आते हैं, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ आपका होना चाहिए जो कि JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसकी साइज़ less than 200 KB से कम होनी चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका उसमें पर मंथ जो सैलरी आएगी, जो स्टाइपेंड आएंगे, वो उसी में आएंगे। तो याद रखिएगा बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके नाम के होने चाहिए तभी, क्योंकि ये जो इनरोलमेंट हो रहा है वो आपके नाम पे हो रहा है, तो ये आपके नाम पे होना चाहिए, ओके। आपके फादर या ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है या आपका अकाउंट नहीं है, तो आप, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप तुरंत जाके तत्काल से अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए, ओके। देखिए फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो फॉर्मेट PDF होना चाहिए, साइज़ less than 1 MB, ओके। यस आई हैव एबव डाटा, ये क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेट्स यू आर एलिजिबल टू इनरोल, हम एलिजिबल है इनरोल करने के लिए। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है पर्सनल, ओके, जो आपका खुद का है।
यहाँ पे एक OTP आएगी, सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे OTP क्लिक करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। फिर स्टेप टू आएगा जो कि लिखा है क्वेश्चनरी एंड गाइडलाइंस, कुछ कुछ गाइडलाइंस दिए उसमें आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर ये इनरोलमेंट फॉर्म है उसको आपको, अंडरटेकन फॉर्म है कुछ कुछ उसको आपको फिल करना है, ठीक है। फिर ये प्रीव्यू एंड कन्फर्म में आप जब क्लिक कर देंगे तो ये 100% आपका डन हो जाएगा। फिर आपको एक पूरा डिटेल भरने का आएगा, मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप का आएगा डिटेल। अगर आप पहले से लॉगिन कर चुके हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, जैसे कि मैं ओपन करूँ आपके सामने, ये देखिए ये मैंने लॉगिन किया यहाँ पे, ये अभी लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद जब आप पूरा रजिस्टर करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जो आपके यहाँ प्रोफाइल रहेगी, आपका जो भी नाम है शिखर सिंह। ये आईडी बहुत ज़रूरी है, ये पूरे 1 साल आपके साथ देने वाला है ये आईडी। इसी के बेस पर आपको अटेंडेंस मिलेगा, आपका ईमेल आईडी, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, नो कॉन्ट्रैक्ट की रिलेटेड। यहाँ पे मैंने BSP से किया तो यहाँ पे लिखा जाएगा सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड BSP ब्लाइज स्टील प्लांट। ये डेट ऑफ इनरोलमेंट, ये मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है इसलिए ये डेट दिखा रहा है। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अपडेट प्रोफाइल में आप हमेशा क्लिक करके कुछ भी चीज़ चेक कर सकते हैं। आपका यहाँ पे जब आप उसको फिल करेंगे जो मैंने दिखाया था पीछे, तो आपके कुछ ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन आएंगे। आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, आपके नाम, फादर नाम, मम्मी के नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, जेंडर, आधार कार्ड, आपको सब PDF में करना है। ये सब आपको ऐसे कॉम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, ये सब इस टाइप के आपको एक पूरे डाटा अपलोड करने हैं। आपके बैंक इन्फॉर्मेशन ये पूरे यहाँ पे, ठीक है। फिर एजुकेशन डिटेल्स आपको फिल करने हैं, टाइप ऑन ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करके रखा है, ठीक है। परसेंटेज डाल के देखिए, परसेंटेज यहाँ पे शो होगा फर्स्ट क्लास, ये ऐसे डिप्लोमा उप्लोमा के, ठीक है। फिर ये आपको यहाँ पे रिज्यूम अपलोड करना है आपका, अगर आपने रिज्यूमे नहीं बनाया तो मैं रिज्यूमे के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, आप उसको भी देख के रिज्यूमे अपना बना सकते हैं, ठीक है। CV, रिज्यूमे, ये आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट है, ठीक है। फिर ट्रेनिंग प्रेफरेंस, आपको कौन से फील्ड में ट्रेनिंग करना है वो आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं, आपको स्टेट आपको चॉइस करना है, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब होने के बाद आपको फाइंड कैसे करना है एस्टेब्लिशमेंट में, हम यहाँ जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट में और यहाँ पे फाइंड करेंगे, फाइंड मतलब खोजेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी BSP का निकला है बिलाई स्टील प्लांट सेल के, ऐसे भेल के, गेल, सेल बहुत से निकलते हैं, तो हम यहाँ पे दो तरीके से सर्च कर सकते हैं। देखिए सर्च इस्टेब्लिशमेंट और सेकेंड है इस्टेब्लिशमेंट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद ये देखिए प्रेफरेंसेस इस्टेब्लिशमेंट नेम, अगर आपको नेम से पता है तो आप यहाँ पे इसमें क्लिक करिए, यहाँ डाल दीजिए सेल या फिर आप यहाँ डाल सकते हैं बिलाई स्टील प्लांट। यहाँ मैंने सर्च किया तो ये देखिए भिलाई स्टील प्लांट के नाम से आ चुका है, ग्रेजुएट टेक्नीशियन वोकेशनल, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग में भी चल रहा है आपका, ये देखिए सेंट्रल। ये अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे ही आपको सर्च मारना है सब चीज़, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे अगर आप, तो यहाँ एक अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अभी इसका कुछ शो नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी अगर वैकेंसी अभी नहीं आई होगी तो ये शो नहीं करेगा। ये देखिए मैंने ब्लाइ शेयर प्लांट पे क्लिक किया तो ये आ गया कोड और वोकेशनल अकाउंट, कितने कितने फील्ड है, कितने कितने स्पेशलाइजेशन है, सब ओपन है। ये देखिए ब्लाइ शेयर प्लांट दुर्ग 4,984 रुपीज़ आपको देंगे पर मंथ, ठीक है। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन PS गवेल, एड्रेस सेक्टर 1 भिलाई में ही है। ये मेरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का मैंने चॉइस किया था, कुछ इस टाइप का आपके सामने फेस होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई में जाना है, अप्लाई में क्लिक करना है। अप्लाई में क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा शो होगा, सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द ट्रेनिंग पोजिशन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाई द इस्टेब्लिशमेंट, आपको खुद कॉन्टेक्ट करेंगे वो, ठीक है। ये देखिए कितने कितने पोस्ट किस किस के खाली है, सब फिल किया हुआ है यहाँ पे। मैं बोलूँगा अगर आप ये फिल करने का तो स्क्रीन शॉट इसका लेके रख लीजिए, ये आप मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हमको और चॉइस करें तो हम फाइंड में जाएंगे, फाइंड इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट में जाके हम यहाँ पे
और भी कंपनी के सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन, हमको जो भी आपने किया, मैंने ग्रेजुएट है तो मैं ग्रेजुएट ब्रांच ऑफ स्टडी मैकेनिकल है तो मैं मैकेनिकल पे जाऊंगा, ठीक है। आपका जो भी स्पेशलाइजेशन होगा आप उसमें जा सकते हैं, मैं मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन को तो मैकेनिकल पे जाऊंगा मैं। ये देखिए यहाँ धोखा मत खाइएगा, हाँ मैकेनिकल के बहुत सारे पोस्ट हैं, मैं सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। सेक्टर सेंट्रल चाहिए, स्टेट चाहिए या प्राइवेट चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्लिक करूँगा। आपका कौन सा रीज़न है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, तो मैं वेस्ट पे क्लिक करूँगा, या जो भी आप जहाँ भी जिस कंपनी में होगा वैकेंसी आप वहाँ जा देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ये वो सब दिया होगा तो मैंने छत्तीसगढ़ पर क्लिक किया। फिर डिस्ट्रिक्ट तो मैं दुर्ग क्लिक करूँगा। आप कोई भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं इसको, ये कुछ चॉइस है। देखिए ये आप अपने अनुसार चॉइस कर सकते हैं। ओके इलेक्टिव सब्जेक्ट ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सर्च करिए आप। सर्च करने पे अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं करा, नो डाटा अवेलेबल इन टेबल, क्योंकि अभी कोई वैकेंसी नहीं है। आप ऐसे ही करके सर्च कर सकते हैं। ओके फिर आप बैक आके फिर से आप यहाँ पे इसको चेंज करके आप महाराष्ट्र का डाल सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में शायद हो सकता है कुछ वैकेंसी ना निकले अभी, बट ये देखिए यहाँ पे निकले हैं। महाराष्ट्र में देखिए कितनी सारी पोस्ट है, देख सकते हैं आप लोग, चंद्रपूर, जलगांव, मुंबई, मुंबई, जैसे कि ये ऑर्डनेंस फैक्ट्री है तो इसको हमने क्लिक किया। इसको मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ विंडो ओपन होगा आपके सामने। ये देखिए ये विंडो ओपन हो गया, ठीक है। तो हमको किससे मिलना है ये दिया गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। फिर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, फिर हमको एक मैसेज आएगा, देखिए सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द ट्रेनिंग पोजीशन, ठीक है। आप यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं बार बार, ये देखिए एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट स्टेटस में आप स्टेटस में चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने दो कंपनी आपके सामने रिक्वेस्ट किया, तो ऑल रिक्वेस्ट टू एक्टिव टू ये शो हो रहा है, ठीक है। आप जिसमें सेलेक्टेड हो जाएंगे या कंप्लीटेड हो जाएगा तो आप यहाँ पे शो हो जाएगा कॉन्टेक्ट, ठीक है। और कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मेल मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी हमेशा हेल्प करूँगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।